नेक्स्ट चीज पर आती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बैंकों में एट प्रेजेंट जो यूज़ होती है और जो की जाती है और एग्जाम्स में भी बहुत कॉमनली पूछी जाती है और पिछले अब और कुछ समय की बात करें पिछले एक डेढ़ साल की बात करें तो आर बी आई ने इसमें लगातार बहुत सारे परिवर्तन बहुत सारी चेंजेस किए हैं और बैंकों के भी लिए जो है वो प्रेशर बनाया है दैट इज बैंकिंग ओम बैंकिंग लोकपाल कौन होता है बैंकिंग लोकपाल क्या काम करता है लोकपाल में लोकपाल का मतलब होता है जो व्यक्ति जनता की समस्याओं को दूर करे दैट इज में लोकपाल या कोई जब भी किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ या कोई जो भी पब्लिक सर्वेंट है उसके खिलाफ यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरी आती है तो उसके लिए उसको दूर करने के लिए जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज कॉल्ड लोकपाल और बैंकों में तो इसकी बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि बैंक और कस्टमर्स के बीच जो है रिलेशन हमेशा अच्छे रहते हैं इन जनरल कोई समस्या नहीं होती लेकिन कई बार कस्टमर्स जो होते हैं वो बैंकिंग सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं होते तब इसको दूर करने के लिए जो अथॉरिटी आरबीआई के द्वारा जो अपॉइंट की जाती है दैट इज बैंकिंग ऑफ बैंकिंग ऑफ इज एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय आरबीआई फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ चीफ जनरल मैनेजर एंड अबोव लेवल आरबीआई जो है वो बैंकिंग ऑम्बर्समैन की नियुक्ति करता है बैंकिंग ऑम्बर्समैन बन सकता है इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो चीफ जनरल मैनेजर या उससे ऊपर के पद पर कार्यरत हो चीफ जनरल मैनेजर और द अब लेवल पर्सन जो होता है वो बैंकिंग ऑम्बर्समैन के अंतर्गत जो है वो काम करता है अपॉइंटेड फॉर थ्री इयर्स और कोई भी जो बैंकिंग ऑबर्ट्समैन बनाया जाता है वो तीन साल के लिए बनाया जाता है बैंकिंग ऑबर्ट्समैन रिजॉल्व द ग्रीवियंसिस ऑफ द कस्टमर्स विद द बैंक बैंकों के जो कस्टमर्स है उनकी जो भी समस्या है उसको सुलझाव करने के लिए बैंकिंग ओम जो है वो कार्य करता है इसमें क्या होता है इफ एनी पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ द बैंक आफ्टर अ अस्टिप्युलेटेड पीरियड कैन कंप्लेन टू द बैंकिंग ओम्बसमैन अंडर हुजॉरिस डिक्सन द ब्रांच फॉस देखिए यदि किसी भी कस्टमर को अपने बैंक से किसी भी प्रकार की समस्या है तो पहले कस्टमर क्या करेगा पहले बैंक को अपनी कंप्लेन देगा कि मेरे को आपके बैंक से यह समस्या है चाहे डिपॉजिट की हो लोन की हो या कोई सर्विसेज को ठीक से प्रोवाइड ना की गई हो इंटरेस्ट कम दिया गया हो चेक क्लियर होने में समय लग गया हो और बैंक को जो पेनल्टी है वो ना पे कर रहा हो बैंक कस्टमर की जो भी ग्रेवेंसीज है वो सब जो है वो अपने जो बैंक है बैंक को वो लिखित रूप से देगा बैंक की यह जिम्मेदारी है कि कस्टमर जो भी अपनी समस्याएं बैंक को लिखकर देता है उसको कंप्लेंट के रिसीव्ड होने के तीस दिन के अंदर अंदर उन समस्याओं का समाधान करे और यदि बैंक तीस दिन के अंदर अंदर उन समस्याओं का समाधान नहीं करता है या कस्टमर जो सॉल्यूशन निकाला गया बैंक के द्वारा उससे यदि वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तब जो बैंक है उसके खिलाफ कस्टमर जो है बैंकिंग ओम्बसमैन में कंप्लेंट डाल सकता है जिसमें बैंकिंग ओम्बसमैन के अंतर्गत वो ब्रांच जो है वो आती होगी कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड विदाउट एनी चार्जेस एंड बाई एनी मीन्स जो कंप्लेंट जो लॉज की जाएगी वो किसी भी प्रकार से लॉज की जा सकती है चाहे आप ऑनलाइन भेज दीजिए लेटर भेज दीजिए या पर्सनल जाकर देकर आ जाइए कैसे भी आप चाहे वो कंप्लेंट जो है आप लॉज करवा सकते हैं और जो कंप्लेंट जो लॉज की जाएगी उसके लिए कोई फी कोई चार्जेस आपको बैंक को या यान उम, को किसी प्रकार का कोई चार्ज पेमेंट नहीं करना है विदाउट एनी चार्जेस जो ये कंप्लेंट है वो फाइल की जाती है अब जैसे ही बैंक के खिलाफ कंप्लेंट जैसे ही ओमबर्ट्समैन के पास पहुंचती है ओमबर्ट्समैन क्या करता है ओमबर्ट्समैन दोनों पार्टीज को बुलाता है बैंक को भी और कस्टमर को भी दोनों पार्टी जैसे जस्ट लाइक द कोर्ट और कोशिश करता है कि बैंक की और जो कस्टमर के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है वो वहीं पर ही रिजोल्व हो जाए समस्या जो है वहीं पर ही समाप्त हो जाए बट किसी भी कारण से यदि बैंक और कस्टमर जो है जो आपस में एक दूसरे से बात के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है वर्ट्समैन में जाने के बाद भी

कोई फाइंड नहीं निकलते हैं तो जो बैंकिंग ओम्बर्ट्समैन है वो फाइनल डिसीजन निकालेगा एंड द डिसीजन ऑफ द ओमबर्ट्समैन इज बाइंडिंग ऑन द बैंक ओम्बर्ट्समैन जो भी डिसीजन देगा वो बैंक को मानना होगा क्योंकि आरबीआई के इंस्ट्रक्शन एक प्रकार से ये है बट इफ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द ओम्बर्ट्समैन ये बहुत बहुत रेगुलर एग्जाम में आता है यदि कस्टमर जो है वो बैंकिंग ऑम्बर्ट्समैन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है द कस्टमर कैन अप्रोच द डिप्टी गवर्नर ऑफ आर बी आई अंडर हुजिक्शन द बैंकिंग ओमबर्ट्समैन जो भी डिसीजन बैंकिंग ऑम्बर्ट्समैन देता है बैंक को तो वह मानना ही है समस्या ही खत्म हो गई लेकिन अगर कस्टमर अगर मान लीजिए जो डिसीजन देता है बैंकिंग ऑमबर्ट्समैन यदि कस्टमर उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तब उस केस में जो कस्टमर है वो आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वहां पर अप्रोच कर सकता है यानी कि वो उसके खिलाफ जो है जो भी बैंक ऑफ रूस का जो डिसीजन है उसके खिलाफ जो है वो अपील कर सकता है जो जहां पर भी बैंकिंग ओवर्समैन है जिसके भी अंतर्गत वो बैंकिंग और वर्ट्समैन आता होगा पता ही बताई चुका हूँ आर बी आई के चार डिप्टी गवर्नर्स होते हैं जो चार जगह पर बैठते हैं और ब्रांचेज जो है जितने भी ओवर्समैन है सब उनके अंतर्गत जो है वो काम करते हैं यानी कि उसके बाद जो है बैंकिंग और बर्ट्समैन के डिसीजन को मानने ना मानने पर कस्टमर जो है वहां पर जो है अप्रोच कर सकता है अभी रिसेंटली तो हो गया हमारा बैंकिंग ऑफ्समैन और हम बात करें एट प्रेजेंट देयर आर ट्वेंटी वन बैंकिंग ओम्ब्समैन इन इंडिया आज की तारीख में भारत में इक्कीस बैंकिंग ओम्ब्समैन काम कर रहे हैं अलग जैसे दिल्ली में है मुंबई में है दिल्ली वाला जो है वो हरियाणा के कुछ पार्ट्स को देखता है और एनसीआर रीजन को देखता है गाजियाबाद फरीदाबाद गुड़गांव इनको देखता है सेम इसी प्रकार से जो है टोटल 21 जो है उन्होंने बांटे हुए हैं और जो 21 जो बैंकिंग ऑम्बर्समेंट्स हैं जो एट प्रेजेंट भारत में जो समस्याएं हैं जो कस्टमर की जो भी ग्रेवेंसी है उनको दूर करने के लिए जो है वो काम करते हैं सो दैट इज द बैंकिंग ऑम्बर्टमेंट पार्ट ऑफ द बैंक इसमें एक चीज और जो आती है अभी आरबीआई ने एक और निर्णय दिया है और उन्होंने बोला है कि अब हर एक बैंक चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो सरकारी बैंक हो अपना एक इंडिविजुअल बैंक ओम्बर्ट्समैन बनाएगा पहले कस्टमर जो है बैंक ओम्बर्ट्समैन में कंप्लेंट लॉच करवाएगा यानी कि जब बैंक का ओमबर्ट्समैन है वहां पर पहले पहले कस्टमर कोई कंप्लेंट है पहले वो ब्रांच को लिख कर देगा अगर वो ब्रांच से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो जो बैंक पूरे बैंक का एक बनाया जाएगा और जो कस्टमर है अपनी कंप्लेंट को उस बैंक के उम्बर्ट्वें के, उम्बर्ट्वें के पास जो है भेज देगा और अगर वहां सेटिस्फाइड हो जाता है तो समस्या खत्म हो जाती है लेकिन अगर उस बैंक के से सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब वो आरबीआई का जो बैंकिंग ओम जो अभी चल रहे हैं वहां पर जो है वो जाएगा इसके अलावा आजकल एनबीएफ में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में भी जो है बड़ी सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे पर बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कस्टमर्स की तो इसके लिए भी आरबीआई ने चार जोंस को बांटकर दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई इन चार जगहों पर अभी चार नॉन बैंकिंग ओम्बर्समैन जो है वो अपॉइंट किए हैं जो नॉन बैंकिंग जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है एन बी एफ सीज हैं उनके कस्टमर्स की कंप्लेन्ट्स को जो है वो वहां पर सुनेंगे सो दैट इज द बैंकिंग ओम इस प्रकार से जो भारत में जो बैंकिंग ऑमबर्ट्समैन जो है वो काम कर रहे हैं